जब जल नहीं तो कल नहीं, इस जल बिना एक पल नहीं। जल उद्गम जल जाने पर जीवन दुभर धरती पर, पूर्ण भविष्य दिखाता यह, सुखमय जीवन करता यह। जलहीन जीव सफल नहीं, जब जल नहीं तो कल नहीं। जल खा था जो प्रकृति स्रोत, जनमानस था ओतप्रोत। दिन दिन बढ़ती आबादी, होगी जल की बर्बादी। जल संरक्षण का प्रण नहीं, जब जल नहीं तो कल नहीं। ताल झील नदी के नीर, गया सूख ना सुने पीर। दोहन की फिर भू उर को, क्षमा धरा करती उसको। नीर बगैर संबल नहीं, जब जल नहीं तो कल नहीं। जल को दूषित करते जन, अंधा धुंध विकट करतन। वन जल का गहरा नाता, पीढ़ी नई की विधाता। जल की समस्या हल नहीं, जब जल नहीं तो कल नहीं। इस जल बिना एक पल नहीं। करण, पानी प्राप्त करने में कितना मेहनत करना पड़ा? इस युग में पानी पाना बहुत बड़ी बात है, और मैं अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली मानता हूँ कि मुझे आधा लीटर पानी किसी तरह मिल गया है। यही सौभाग्य की बात है। समरसेबल चला, वो भी समरसेबल चला गया, समरसेबल पंप से, जिसमें से भर भर के पानी निकलता है। मैं अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली मानता हूँ। होते हैं लोग बढ़िया आराम से। तो कितने लोग लगे इस पानी को निकालने में? एक, दो, तीन, चार, पाँच, छह, सात, आठ, नौ लोग लगे हैं। और कितना समय लगा? समय कितना लगा? समय कम से कम 15-20 मिनट, 20 मिनट टोटल आधा लीटर पानी मिलने में। तो ये लखनऊ का गोमती नगर है, और यहाँ पर 15 मिनट में 10 लोग मिलकर आधा लीटर पानी सबमर्सिबल से निकाल रहे हैं। ये हमारे भारत का भविष्य है, और जितनी जल्दी हम समझदार हैं उतना हमारे लिए बेहतर होने वाला है। क्योंकि अगर ये आज हम लोग, पता है, जब यात्रा समाप्त की, समाप्त होने के बाद आपसे भैया बैठे हुए थे, आपसे भैया ने कहा कि यहाँ पर सो समरसेबल लगा हुआ है, पानी पी लेंगे हम लोग। हमने कहा इससे बेहतर क्या हो सकता है, क्योंकि जब धरती से पानी निकलेगा तो सारे मिनरल्स मिलेंगे हमें, और हमारे लिए हेल्थ के लिए अच्छा होगा। हम पहुँचे और हमने मोटर जैसे तैसे चालू किया। चालू करने के बाद हम वेट कर रहे हैं और इसको घुमाए जा रहे हैं, तो हमें लगा पानी नहीं आ रहा, लेकिन थोड़ी बार हवा आई कानों में, हमारे भैया कहने निकलेगा। कुछ रिएक्शन हुआ तो हम लोगों ने और इंतज़ार किया, फिर इतना सा छींटा बाहर आया, सबके चेहरे पे थोड़ा थोड़ा मारा, फिर लोगों का आत्मविश्वास बढ़ा, फिर बैठे रहे, फिर एक बॉटल लिए उसमें लगाए, और लगाने का नीचे वाला इतना हिस्सा भरा, जब वो भर गया तो हमारा आत्मविश्वास और भर गया, फिर लगा और पानी भरेगा। और आधे घंटे से हम लोगों ने इतनी मेहनत करी कि हमें इतना पानी मिल गया। ये भारत का भविष्य है। इस पर आज आप हंसिए नहीं, हम हो सकता है आज हंस रहे हैं, लेकिन शायद हमारे बच्चे इस पानी को समरसेबल से तो हम इतना पा भी गए, बट हमारे बच्चे नहीं पाने वाले, वो रोने वाले, उनकी आँख से आंसू निकलेंगे सिर्फ एक बूंद पानी के लिए। तो आपसे हाथ जोड़ के विनती है कि आप 20 रुपये का पानी का बोतल आज 2023 या 24 में तो खरीद सकते हैं, 25 में तो खरीद सकते हैं, लेकिन शायद 2035 में ये 20 रुपये का बोतल 60 रुपये का बिक रहा होगा। जो मिडिल क्लास फैमिली है वो तो खरीद नहीं पाएगी, और जब वो नहीं खरीद पाएगी तो पानी नहीं पी पाएगी। हम बहुत आसानी से बोतल खरीद के बोतल का पानी पी के फेंक तो सकते हैं, लेकिन जब पानी बचाने की बात आएगी तो शायद वहाँ पे हम आज भी हजारों किलोमीटर दूर अपने आप को पाते हैं। अपने आप से एक वादा करिए कि आज से ही पानी बचाना शुरू करिए। धन्यवाद। चलिए, ये पानी फिर खत्म हो गया, तो मिलता हूँ 15 मिनट बाद फिर से, क्योंकि फिर से मेहनत करना पड़ेगा। और लखनऊ वासी होने के नाते मैं लखनऊ की बदनामी नहीं सहूंगा, तो लखनऊ में बताना चाहूँगा गोमती नदी भी है, हालांकि वो अलग बात है कि उसमें से नाली की बदबू आने लगी है, तो उसका भी कुछ उपाय किया जाए।